हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर मई 2019 का इंट्रोडक्टरी इंटमोलॉजी का प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, और आप जो है 2-3 साल पुराने पेपर्स को तैयार करके अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसमें 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSEM यूनिवर्सिटी में। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहते हैं शॉर्ट वाले 3 नंबर के, और सेक्शन बी में जो है सी में 4-4 क्वेश्चन रहते हैं, 8-8 नंबर के रहते हैं। उसमें से 2-2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, काटने एवं चबाने वाले मुखांग का नामांकित चित्र बनाइए। बी है आपका हेमिप्टेरा का अर्थ क्या है, इसकी मुख्य 5 विशेषताएं लिखिए। सी है आपका सलभ एवं तितली में अंतर स्पष्ट कीजिए। डी है कीट विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। ई है आपका 5वां नंबर कीटों में पाई जाने वाली 5 प्रकार की टांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। एफ है कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न पंख संयोजी उपकरणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सेक्शन बी, इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका 2वां क्वेश्चन, 8 नंबर का है, टिड्डे के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। टिड्डे के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। टिड्डे के परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कीट की देह भित्ति की विभिन्न परतों के नाम लिखिए तथा उनमें से प्रत्येक की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। फिर सेक्शन सी है आपका, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, ठीक है। टिड्डे के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, और 7वां क्वेश्चन है रूपांतरण की व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के रूपांतरण के नाम लिखिए तथा तितली के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। टिड्डे के तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षणों को लिखिए। अगर दोस्तों यह प्रश्न पत्र आपको पसंद आया हो और पुराने प्रश्न पत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में जो है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बाद। और हाँ दोस्तों, ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं आपके 3 नंबर के, वो कम से कम 1 पेज में आप लिखिए, और जो आपके लॉन्ग वाले हैं 8 नंबर के, वो कम से कम 3 से 4 पेजों में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको पूरे अंक प्राप्त हो सके। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 1-2 पेज में करके जो है 8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक ही पेज में लिखते हैं, तो उसमें से उनको जो है 2 से 3 नंबर मिलता है, मुश्किल से उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। इसलिए जितना हो सके अच्छे से हेडिंग्स को सजा करके और कम से कम 3-4 पेज में एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला करने की कोशिश करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं पढ़ाता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, तो
जो है गवर्नमेंट की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ वीडियो पड़े हुए हैं और उनको देख सकते हैं जो विभिन्न ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और अगली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।